इंडिया की ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का 2018 में कोई भी टेस्ट फ्लाइट नहीं किया गया, तब भी जब ये इंडिजनस प्रोग्राम कंटीन्यूअस डिलेस से गुजर रहा है और इसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने बहुत सारे प्रोजेक्ट एक्सटेंशन दिए हैं। इस मिसाइल की टेस्ट फ्लाइट 12 मार्च 2013 को हुई। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट में इसे मिडवे ही टर्मिनेट करना पड़ा क्योंकि इसमें मैलफंक्शंस हो गए थे। इसका दूसरा ट्रायल 2014 में हुआ जो कि एक सक्सेस था, लेकिन 2015 और 16 दोनों में ही ये मिसाइल अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में फेल हो गई थी। 2017 में निर्भय को फिर से टेस्ट किया गया था, लेकिन इसे एक PTAE 7 टर्बोजेट इंजन के साथ टेस्ट किया गया था जो कि एक रशियन टर्बोफैन इंजन था। 2018 में निर्भय क्रूज मिसाइल को 4.25 kN थ्रस्ट टर्बोफैन मानिक इंजन के साथ टेस्ट किया जाना था, जिसे कि GTRE ने इंडिजनसली डेवलप किया था। ये इंजन अभी भी डेवलपमेंटल ट्रायल से गुजर रहा है और अभी ये प्रोडक्शन में एंटर नहीं हुआ। मानिक के इंजन प्रोटोटाइप ने 2 घंटों का एंड्योरेंस डेमोंस्ट्रेट किया है, वो भी फुल लोड कंडीशंस में, और ये पिछले 2 सालों से डेवलपमेंटल फेसेस से गुजर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है कि इस प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन के लिए क्लियर किया गया है या नहीं। निर्भय क्रूज मिसाइल प्रोग्राम डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर के हाथों खत्म होने से बार बार बचा जब जेब ने 5th डेवलपमेंटल ट्रायल में सक्सेसफुल हुई। मानिक इंजन एक क्रूशियल प्रोग्राम है जिसे कि एक मेन गो टू इंजन के तौर पर यूज किया जाएगा, जिसे कि इंडिया अपनी सबसोनिक क्रूज मिसाइल फैमिली में डिप्लॉय करेगी। DRDO ऑफिशियल्स भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर नई इन्फॉर्मेशन को लेकर चुप हैं। 2019 इस मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक मेक या ब्रेक साल हो सकता है, जिसमें अगर ये मिसाइल प्रोजेक्ट सक्सीड नहीं होता तो इसके टर्मिनेट होने का खतरा पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।